और एक बड़ी खबर धनबाद से। प्यार में धोखा खाई प्रेमिका का हंगामा देखने को मिला है। प्रेमी के घर पहुंचकर प्रेमिका ने हंगामा किया है, घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। प्रेमी के घर वालों ने प्रेमिका पर आरोप लगाया है, 2 लाख की रंगदारी मांगने का यह आरोप है। महुदा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो प्रेमिका का ये हंगामा प्रेमी के घर पर देखने को मिला। घर पर पहुंचकर प्रेमिका ने तोड़फोड़ की और आप देखिए प्रेमी के घर वालों ने प्रेमिका पर आरोप लगाए हैं। घर वालों ने कहा है कि प्रेमिका 2 लाख की रंगदारी मांग रही है। ये आरोप प्रेमी के घर वालों ने प्रेमिका पर लगाया है। महुदा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक प्रेमिका का ये हंगामा देखने को मिला। और ये तोड़फोड़ की जो बातें सामने आ रही थी, इसकी अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। धनबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वही प्रेमिका थी जिसने ये हंगामा किया और इसके बाद ये तोड़फोड़ भी की। रिलेशन था, उसके बाद इस बीच तीन बार हम प्रेग्नेंट भी हुए थे। उसके बाद वो बोला अभी बच्चा हटा दो, उसके बाद जब घर उर बन जाएगा, पैसा वैसा हो जाएगा, तब बच्चा रखेंगे। अभी प्रॉब्लम हो गया कि वो अभी शादी ही नहीं करना चाह रहा है। और उसके बाद मेरे घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए भी ले चुका है, अभी वो कुछ नहीं बोल रहा, आ ही नहीं रहा, खाली बोलता शादी उदी नहीं करेंगे। 2 लाख तो तुमको हम खत्म कर देंगे। तो हम बोले कहाँ से देंगे, तो देखेगा मेरा रंगदारी, तुमको बता दे तुम घर बना रहा, पैसे तेरा पास में नहीं है। और चावल भी ठहरे था तो हम बंद कर लिए कमारी हम जा। तो फिर थोड़ा देर में रिलेशन था, उसके बाद इस बीच तीन बार हम प्रेग्नेंट भी हुए थे। उसके बाद वो बोला अभी बच्चा हटा दो, उसके बाद धनबाद से हमारे साथ संवाददाता अशोक फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक का रोक कर लेते हैं। अशोक देखिए, प्रेमी के घर वालों ने तो ये आरोप लगाया कि प्रेमिका 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रही है, लेकिन अगर प्रेमिका के बयान को सुने तो प्रेमिका ने तो उल्टा ये बयान ले दिया है कि प्रेमी ही नहीं उनसे 10 लाख रुपए लिए और उसी लाखों रुपए से वे घर बनवा रहे हैं। ये मामला क्या कुछ निकल के सामने आ पा रहा है अशोक, क्योंकि वीडियोज भी सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सुष्मिता, ये मामले को लेकर फिर जैसा हंगामा जहां हुआ, उसके बाद मामले अब थाने तक पहुंच गया, वहीं अब जांच करने की बात की जा रही है। अब पुलिस का ये कहना है कि अगर प्रेमिका जो है, अगर उस आरोप जो लगा रही है कि प्रेग्नेंट थी, तीन बार जो है उसके साथ मतलब प्रेग्नेंट के बाद गर्भपात जो कराया गया, तो कहीं ना कहीं आखिर किसका बच्चा था, क्यों कराया गया, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर बनता है। इसी मामले को लेकर जो है दोनों पक्ष, हमें प्रेमी और प्रेमिका, दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं तानातानी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। जहाँ प्रेमिका आरोप लगा रही है कि मेरे साथ इस तरह का और शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण करते रहा, तो वही जो प्रेमी के घर में आरोप लगा, ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं, पैसा मांग रही है। तो अभी जांच के बाद ही सुष्मिता पता चल पाएगा कि आखिर क्या। लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा में यही कहा जा रहा है कि जो प्रेमिका है उसके साथ कहीं ना कहीं गांव वालों ने धोखा दिया है, और प्रेमिका जो प्रेमी है उसके साथ कई सालों से रहा था और उसको लेकर साथ में घूमता भी था, तो और गांव वाले इस बात को देखे भी थे, आश्वासन दिया था कि हम उससे शादी कर लेंगे, तुमसे चलो मेरे साथ सब कुछ करो, उसी बात को तैयार हो गई थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाद में मेरे साथ धोखा होगा। और ये जो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये पूरा जांच का विषय है। पुलिस के मामला पहुंच चुका है, पुलिस अपनी तरफ से जांच करेगी और इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में आरोपी कौन है और जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या कुछ सही है इस पूरे मामले को लेकर। अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, या क्या ये तस्वीरें वही बयां कर रही है जो आरोप ससुराल वालों की तरफ से लगाए गए, या फिर कुछ मामला और है जो पुलिस की तहकीकात में खुलासा हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।